इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप बन सकते हैं एक टॉपर। मैंने इस वीडियो का पार्ट वन भी बना के रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए मेरे चैनल पर। तो पार्ट टू का टिप नंबर वन, आस्क डाउट्स। देखिए, टॉपर्स की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि उन्होंने टीचर्स और प्रोफेसर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना के रखे होते हैं। तो अगर उन्हें छोटा से छोटा डाउट भी आता है तो वो पूछ लेते हैं। आपको भी ऐसा ही करना है, चाहे डाउट कितना भी छोटा हो लेकिन उसे क्लियर कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि आप डाउट्स इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आप मजाक के रूप में पूछेंगे तो टीचर्स आपको सीरियसली नहीं लेंगे। टिप नंबर टू, मेक स्मार्ट नोट्स। देखिए, नोट टेकिंग बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बिजनेस में जो लोग काम करते हैं वो भी नोट टेकिंग करते हैं मीटिंग्स के दौरान। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो नोट टेकिंग है वो बुक को उतारना नहीं है, आपको सिर्फ की पॉइंट्स, थ्योरीज, डेफिनेशंस, फॉर्मूले और फैक्ट्स को लिखना है, और वो भी बहुत शॉर्ट फॉर्म में। देखिए, नोट टेकिंग के जो है दो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है माइंड मैप और दूसरा होता है कॉर्नेल सिस्टम। माइंड मैप में आपको मेन आइडिया को बीच में लिखना होता है और उसके बाद दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनको लाइन से कनेक्ट करना होता है, और उसके आगे भी अगर कोई सब टॉपिक है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बहुत मदद मिलेगी क्योंकि आप छोटे जगह में ही बहुत कुछ समझ जाएंगे, और तो और हमारा दिमाग भी ऐसे ही सोचता है तो उसको ये समझने में बहुत आसानी होती है। आप फोटो में देख रहे हैं एक फोटोसिंथेसिस का माइंड मैप बना हुआ है, आप भी इसी तरीके से किसी भी टॉपिक का माइंड मैप बना सकते हैं। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिर दूसरा तरीका है कॉर्नेल सिस्टम। कॉर्नेल सिस्टम जो है वो एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा डेवलप किया गया था और एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। इसमें आपको अपने कॉपी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, एक में नोट टेकिंग करनी है और दूसरे में कीवर्ड्स को लिखना है। देखिए, पहले तो स्कूल जाइए और वहाँ पे नोट टेकिंग कीजिए, यानी कि सब कुछ लिख लीजिए जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। उसके बाद हर पॉइंट के लिए एक एक कीवर्ड लिख लीजिए कीवर्ड सेक्शन में। उसके बाद जो आपको करना है वो ये है कि नोट टेकिंग को एक पेपर से कवर कर दीजिए और सिर्फ कीवर्ड्स को देख के अपने नोट्स को याद करने की कोशिश कीजिए। आप जब ऐसा करेंगे तो आपकी रिटेंशन बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि आपने एक बार तो पढ़ा है, एक बार नोट लिया है, उसके बाद आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, जब आपने कीवर्ड्स याद कर लिए और उसके बाद फिर आपको किसी दोस्त को या फिर खुद को ही मिरर में वो टीच करना है, यानी खुद को ही पढ़ाना है। इस तरीके से आप एक और बेहतर रिटेंशन बना रहे हैं। और आखिरी में जाके आपको एक समरी लिखनी है बिना कुछ देखे। इस तरीके से आप उस टॉपिक में एक एक्सपर्ट बन जाते हो। फिर टिप नंबर थ्री, ट्राई टू टीच। पांच बच्चों को एक पेपर दे दिया गया और कहा गया कि आप इसको याद कर लीजिए, आपको एक एग्जामिनेशन देना है। और पांच बच्चों को एक पेपर दे दिया गया और कहा गया आप इसको याद कर लीजिए, आपको कुछ लोगों को पढ़ाना है। और फिर दोनों का ही एग्ज़ाम लिया गया तो पता चला जो पढ़ाने के लिए पढ़ रहे थे उनकी रिटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उन सब ने उनसे बेटर स्कोर किया जो एग्ज़ामिनेशन के लिए पढ़ रहे थे। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है और ट्राई करना है कि आप पढ़ाएं किसी को, या अगर आपको कोई भी पढ़ाने के लिए नहीं मिलता है तो आप खुद मिरर के सामने चले जाइए और पढ़ाइए। अगर आपको कुछ समझाने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे ज़रूर चेक कीजिए। ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ाना अपने लैंग्वेज में है, बुक के लैंग्वेज में नहीं। फिर टिप नंबर फोर, टेक रेगुलर टेस्ट्स। देखिए, टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जब टेस्ट लेते हो तो पहले तो आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हाँ, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इनके क्वेश्चन में मैं गलती करता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने वीकनेस पता चल जाते हैं और फिर आप उनको बेहतर कर सकते हो। और दूसरा ये बात है कि कई बार टेस्ट से आपको नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पता चलता है, तो बहुत ज़रूरी है, टेस्ट लेते रहिए। और ध्यान रखिएगा कि एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ टेस्ट नहीं देना है, उसको एनालाइज़ भी करना है कि हाँ, मैं यहाँ गलती करता हूँ या फिर यहाँ मेरी अच्छी पॉइंट है तो इसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं करनी है। फिर टिप नंबर फाइव, टाइम मैनेजमेंट। देखिए, स्टूडेंट जो है वो सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, पढ़ते भी हैं। उनका पढ़ना एक लाइफ में प्रायोरिटी होता है, लेकिन सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है।
आप जो है पढ़ने के अलावा भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 24 घंटे हैं। तो आप एक हॉबी भी डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। याद रखिएगा कि एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपको पढ़ाई में भी बहुत मदद करेंगे, कंसंट्रेशन में भी बहुत मदद करेंगे। अब कुछ जनरल टिप्स ये हैं कि मैथ कांट बी प्रैक्टिस्ड, यानी कि आप मैथ की जो है प्रैक्टिस मत कीजिए, मैथ के जो है कॉन्सेप्ट्स को समझिए और उस टाइप के क्वेश्चन को समझिए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। प्रैक्टिस करना है, लेकिन अंधाधुंध प्रैक्टिस नहीं करना है, समझ के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि मैथ को पढ़िएगा मत। मैथ को पढ़ना ऐसा है कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे हैं। उसके बाद आप अच्छी स्लीप लीजिए, गुड स्लीप लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि स्लीप जो है बहुत ज़रूरी है। और कुछ स्टूडेंट्स जो है पढ़ने के लिए स्लीप को छोड़ देते हैं। देखिए, इस तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद न्यूट्रिशियस फूड लीजिए। देखिए, खाना जो है बहुत ज़रूरी है, और अगर आप खाएंगे नहीं तो आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम आएगी। और आखिरी ये है कि आपको राइट एटीट्यूड रखना है। जब आपका एटीट्यूड राइट रहेगा तो आप मुश्किल से मुश्किल चैप्टर्स को आसानी से समझ लेंगे, और इस तरीके से आप जल्दी एक टॉपर बन जाएंगे। ऑल द बेस्ट। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल बटन को दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।